बैठ जाइए सब लोग हरे की शान बान और देश की शान थी, क्या कहेंगे बहुत ही यहाँ की स्कूल लेकर के क्या सोचते हैं? वो तो यहाँ का शान और पूरे बिहार पूरे इंडिया का शान थे, वो तो कहीं छिपे हुए लोग नहीं थे, वो तो सब लोग जानते हैं जैसे शारदा सिन्हा क्या थे या नहीं थे, ये तो पूरे इंडिया में उनका नाम लोग जानता है। यहाँ तो सिहमा में उनका ससुराल है, यहाँ पर भी सब लोग जो है उनको हार्दिक दिल से, अब तो चली गई है तो इसके लिए वो जो है सपना अपने अपने अति से शोक अपना दिवस मनाएंगे। क्या जानकारी मिली थी? हम लोग तो अभी सुबह में 5 बजे में मिला समाचार, जो अब उनका जो है देहांत हो गया 9:30 बजे रात्रि में। काफी मरमाही थे इस गांव के लोग। हाँ, इस गांव के लोग बहुत दुखित हैं, जो हमारे गांव के प्रतिष्ठित लोग और माननीय लोग थे, संगीत में थे, भोजपुरी में इतना कलाकार बड़ा थे और चले गए, तो इसलिए तो हम लोग तो दुखित है ये हैं। लास्ट कब आए थे यहाँ पे? लास्ट तो इधर दो चार 5 महीना पहले आए थे। क्या कुछ बातचीत हुई गांव वालों से? हाँ, गांव वाले से आते थे तो बातचीत चाहती थे, मेरी माँ से बहुत बड़ी लगाव था, वहाँ पर भी जाते थे आते थे, उसको बेगूसराय आते थे तो वहीं बुला करके भेंट करते थे। देश की स्वर कोकिला थी ये, और फिर गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, उनका देहांत हो गया, किस तरह के क्या सोचते हैं, कैसे क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी देखिए, 1 महीना पहले 2 रोज पहले उनका पति मर गया, उसमें गए थे तो वहाँ दिल्ली से एबे किए, उनको ब्लड कैंसर था, उसके बाद तुरंत आए, फिर 15 रोज में फिर चले गए वहाँ गए तो सब खबर आते रहता था कि ऐसे हैं वैसे हैं। रात उनका 9:30 बजे देहांत हो। उनका ससुराल था, आना जाना लगातार था, क्या था? हाँ, हर छठ में आते थे, हर छठ पर्व में आते थे, इधर भी आए थे 4-10 बजे, उसके बाद चले गए।